हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी जॉब 2.0 पर। दोस्तों आज हम फिर छत्तीसगढ़ के एक और विभाग द्वारा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के साथ उपस्थित है दोस्तों, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के पद है, वाहन चालक भृत्य सहायक ग्रेड 3 संविदा, कोर्ट मैनेजर अमला और आकस्मिकता निधि कर्मचारी जैसे कि चौकीदार स्वीपर जैसे पदों पर कैसे करेंगे आवेदन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। साथ ही यह किस जिले के लिए जारी हुआ है, क्या इसमें सभी जिलों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या फिर केवल वही जिले के स्थानीय निवासी इसमें आवेदन करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अभी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और यह जो पद है दोस्तों केवल जो है 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे जारी हुआ है। कुछ ऐसे पद भी है जिसमें कि 5वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जानेंगे वीडियो पे जो है, अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करिए। आपको लगता है कि आपके दोस्त इस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है 11 पोस्ट है, वाहन चालक के लिए एक पद है, भृत्य के लिए भी एक पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी एक पद है और आकस्मिकता निधि कर्मचारी जैसे कि चौकीदार है स्वीपर के लिए केवल 2 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है दोस्तों, जिसमें कि वर्गवार रिक्त जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित वर्ग के लिए जो है आप इसमें पदों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर द्वारा यहाँ पे यह विज्ञापन जारी किया गया है। देख सकते हैं दिनांक 22/9/2022 को यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके लिए आपको आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक इसमें आपको आवेदन करना होगा। डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं योग्यता संबंधित, जिसमें कि सहायक ग्रेड 3 के लिए बात करें तो इसमें है साक्ष्य लेखक प्रोसेस राइटर व अन्य पद के लिए यही योग्यता है। वेतन आपको इसमें 19,500 रुपये लेवल 4 के हिसाब से दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो है किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग हेतु जो है न्यूनतम 40% अंकों के साथ जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। और अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग मुद्र लेखन की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका होना चाहिए। गति के संबंध में इसमें कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा और यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन करेंगे दोस्तों। अगला है भृत्य के पद के लिए बात करें तो वेतन इसमें आपको 15,600 रुपये दिया जाएगा मैट्रिक लेवल 1 के हिसाब से। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण केवल यहाँ पे बोला गया है। आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सक अगर इसके अलावा आपके पास कोई और अन्य योग्यता है जैसे कि ड्राइवर की, अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, इलेक्ट्रिशियन अगर आप वर्क कर लेते हैं, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं वाहन चालक पद के लिए तो इसमें देख सकते हैं वेतन लेवल 4 के हिसाब से 19,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता है कक्षा 8वीं उत्तीर्ण और जो है हल्का मोटर यान का वैध आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर एवं चौकीदार पद के लिए वेतन कलेक्टर सरगुजा द्वारा निर्धारित दर पर आपको इसमें दिया जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी 5वीं पास और रोजगार कार्यालय में आपके पास पंजीयन होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 संविदा पद के लिए बात करें, इसमें जो है दोस्तों केवल यही पद जो है संविदा है, बाकी रेगुलर पद हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी स्नातक मांगा गया है, कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, DCA मांगा गया है। वेतन यहाँ पे आपको जो है 9,000 दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है आयुष सीमा जैसे कि आप सबको पता होता है, इसमें जो है 1/9/2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें छूट भी आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से आपको इसमें आयु सीमा में छूट दिया जाएगा।
अन्य शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ का डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की बात करें तो आपको अच्छे से इसको बिना किसी गलती के स्पष्ट रूप से भरकर आवेदन पत्र जो है दिनांक 31 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में रजिस्टर डाक के माध्यम से भेजना होगा। कहाँ भेजना है तो इसमें दिया गया है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आपको भेजना होगा। दोस्तों आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार काल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सभी को जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पर भेजना होगा। दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जानकारी इसमें दिया। अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र पर जो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का नवीन फ़ोटो आपको लगाना होगा जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, और इसमें चयन वगैरह किस प्रकार से होगा तो यहाँ पे दिया गया है, सहायक ग्रेड 3 नियमित एवं संविदा पद के लिए दोनों के लिए एक ही प्रकार से जो है चयन प्रक्रिया होगा, जिसमें कि कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की आपको समय दिया जाएगा। मैं उसको जो है शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रो ऑफिस में आपको टाइप करना होगा। प्रत्येक अगर त्रुटि होता है, एक त्रुटि होता है तो एक अंक उसमें आपका काटा जाएगा। दस्तावेज परीक्षण होगा। फिर सैग्रेड 3 के पद हेतु अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित यानी कि ओरिजिनल आपका कॉपी के साथ व्यक्तिगत आपको स्वयं उपस्थित होना होगा, जिसमें अभ्यर्थी के जो डॉक्यूमेंट है उसका परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों सहग्रह 3 के पद हेतु आवेदकों की संख्या जो है विज्ञापित पद के 15 गुना से अधिक होने पर जो है यहाँ पे लिया जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। उसी प्रकार है वाहन चालक पद के लिए बात करें तो कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक के पद हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उस चयन के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका दस्तावेज परीक्षण होगा। तो भृत्य के और स्वीपर एवं चौकीदार के लिए बात करें तो लिखित और कौशल परीक्षा 40 अंक का लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा 10 अंक का। भृत्य जो कि नियमित पद है एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे कि रहेगा, तो स्वीपर एवं चौकीदार हेतु कौशल परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों तो इसमें देख सकते हैं जानकारी दिया गया है, एक बार इसको अच्छे से अवलोकन आप अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों आवेदन का प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, और इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है केवल सरगुजा ज़िले के जो यानी कि सरगुजा संभाग के जो कैंडिडेट हैं वहीं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें अन्य ज़िलों से आवेदन नहीं कर सकते, केवल जो सरगुजा संभाग है उसके अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं वहीं से कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे। तो एक यही अपडेट था दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।